बच्चे कितने साल बाद हुए हैं? 5 साल बाद हुए हैं। 5 साल, तो इन 5 सालों में जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आने से पहले भी इलाज कराया? हाँ, एक दो जगह करवाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली है। और कैसे जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के बारे में पता कैसे चला? पता चला मेरी दीदी से, तो उन्हीं ने कहा कि वहाँ जाके जाओ, वहाँ जाओ देखो। दीदी को यहाँ की जानकारी थी? हाँ जी थी, वही से उन्होंने करवाया। यहाँ से उन्होंने भी करवाया था IVF, और उनको बच्चे हुए थे तो उन्होंने आपको बताया। उनको सुन करके आप लोग यहाँ पर आए, और यहाँ की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजुल त्यागी मैडम, उनसे आप लोग मिले। पहली ही बार में मैडम ने आपको क्या जवाब दिया? मैम ने यही बोला, मैम यहाँ सफलता मिल जाएगी, सब अच्छे से हो जाएगा। जैसा मैडम ने कहा वैसा हुआ। पहले ही प्रयास में IVF के द्वारा आपको पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई और 2 बच्चे आ गए। क्या कहना चाहेंगे मैडम को, जिनके कारण से इतनी बड़ी चीज आई है? बहुत 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 थैंक यू कहना चाहते हैं। जी जी, सभी लोग परिवार में खुश हैं इस खुशखबरी को सुन करके? बहुत ज्यादा खुश है। जी जी, क्योंकि 5 साल बाद बच्चों की किलकारी अब घर में गूंजेगी, और ये संभव हो पाया है डॉक्टर राजुल त्यागी मैडम के IVF के इलाज के द्वारा, उनके IVF करने के तरीके के द्वारा। आपने देखा होगा इलाज के दौरान आप लोग इतने समय से आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत दूर दूर से पेशेंट यहाँ पे आकर के इलाज कराते हैं। ऐसा नहीं कि उनके शहर में डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो सफलता जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में, वो कहीं नहीं है। तभी तो इतनी दूरी तय करके लोग यहाँ पे आते हैं, और मैडम की मेहनत भी है। आपने अपने इलाज के दौरान देखा होगा मैडम काफ़ी मेहनत करती हैं। बहुत मेहनत, सुबह 3-4 बजे भी काम करती मिल जाएंगी, रात को 10 बजे तक भी काम करेंगी। ये मैडम की मेहनत का नतीजा है जो आज आप लोग के गोद में बच्चे हैं और आपके परिवार में ये खुशियाँ आई हैं। जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से आपको दोनों बच्चों के होने पर ढेर सारी बधाई।